आपको पता है मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है, मैं पहले ही बोला था स्टार्टिंग से जो भाई देखेगा ना उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस कॉम से आपको मैं सेट करके दिखाया हूँ, नॉर्मल कॉम से आपको सेट करके दिखाया हूँ। स्टार्टिंग से जो भाई वीडियो को देख रहा है उसके हेयर 100% खड़े हो जाएंगे। सो यो व्हाट्सअप गाइस, यार कैसे आप लोग। तो मेरे भाई आज की वीडियो में अभी आप मेरे हेयर्स में वॉल्यूम देख सकते हो, और ये वॉल्यूम पता है किससे आया है, इससे आया है मेरे भाई, इससे। अभी आप सोच रहे हो कि इससे इतना अच्छा वॉल्यूम कैसे आ सकता है, तो ये वीडियो में आपको मैं इससे अपने हेयर्स खड़े करके दिखाऊंगा और ऐसा ही वॉल्यूम आपके भी हेयर्स में आ सकता है। बट वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने आज कोई भी हेयर ड्रायर या फिर कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने रोलर कॉम का यूज़ किया है। तो रोलर कॉम मेरे पास है बट मैं इसको अवॉइड किया हूँ। आज की वीडियो में आपको इससे हेयर खड़े करके दिखाया हूँ। तो यार बहुत सारे भाइयों के कॉमेंट्स आ रहे थे, भाई हमें नॉर्मल कॉम से हेयर खड़े करके दिखाओ, वो भी विदाउट हेयर ड्रायर, विदाउट एनी प्रोडक्ट। तो भाई मैंने सोचा यार ये वीडियो तो लानी पड़ेगी, आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने सोचा चलो यार ये वीडियो आज बना देते हैं। तो यार मैंने आज इसकी मदद से आपको अपने हेयर्स खड़े करके दिखाए, और ना ही मैंने रोलर कॉम का यूज़ किया और ना ही हेयर ड्रायर का। अगर मैंने रोलर कॉम का या फिर हेयर ड्रायर का यूज़ किया हो तो आप वीडियो को अनलाइक करके डिसलाइक कर देना, और भाई मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। बट भाई मैंने ऐसे कोई भी गलती नहीं की है, आज आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाया है। तो इस वीडियो को एंड देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो लंबी नहीं करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम बेस्ट के, लेट्स गो गाइस। सो गाइज यार, माय नेम अमित, यू वाचिंग स्मार्ट बॉय हैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पे आ रहा हो, स्मार्ट बॉय हैक्स के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके आप मेरे से फॉलो करके बात कर सकते हो। तो गाइज यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम वेस्ट के टाइम आपका भी जरूरी है, मेरा भी जरूरी है, तो लेट्स गो गाइज। तो सबसे पहले आपको अपने हेयर वॉश करना है, तो जल्दी से मैं अपना हेयर वॉश करके आता हूँ। स्टेप नंबर 1 पे अपना हेयर वॉश रहने वाला है, तो अपने हेयर वॉश करके आता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको करना क्या है। तो जल्दी से मैं अपने हेयर वॉश करके आता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस यार मैं अपने हेयर वॉश करके आ चुका हूँ, अभी मैं आपको सबसे पहले टॉवल ड्राई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है। तो जल्दी से मैं टॉवल ड्राई कर लेता हूँ अपने हेयर्स में। आपके हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं रहना चाहिए, वाटर रहेगा तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो जल्दी से टॉवल ड्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है, लेट्स गो। तो यार टॉवल ड्राई मैंने कर लिया है, टॉवल ड्राई करने के बाद आपको करना है अपने हेयर्स में ऑयल यूज़ करना है, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो। समर सीजन चल रहा है तो ज़रूरी नहीं आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो। तो यार मेरे पास अभी डाबर आमला है तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। आपको 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, चलो हो गया, तो लेट्स गो। तो ऑयल मैंने यूज़ कर लिया है, ऑयल यूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने कॉम का यूज़ करना है, जो कि नॉर्मल कॉम है, रोलर ब्रश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो रोलर कॉम का यूज़ नहीं करना है आपको, इसका यूज़ करना है। तो नॉर्मल कॉम से आपको करना क्या है, आपको अपने हेयर्स को अपोजिट डायरेक्शन में कर लेना है। जैसे मैं इस साइड अपने हेयर्स को रखता हूँ, बट इस साइड आपको कर लेना है थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए करना है आपको, उससे आपके हेयर्स में वॉल्यूम आएगा और अच्छे से आपके हेयर सेट रह पाएंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में करने से होगा क्या, मेरे हेयर थोड़ा सा चिप जाएंगे, और इधर के साइड जब मैं करूँगा तो भाई मेरे हेयर्स में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ट्राई करना है। तो इसको ऐसे ही रखने के लिए आपको करना क्या, आपको हेयर बैंड का यूज़ करना है, ये आपको 10 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हो। तो इसको आपको लगाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आप इसको ऐसे करना है, और ये देखो लग चुका है मेरे हेयर्स में हेयर बैंड। तो अभी मेरे को 10 मिनट का वेट करना है, 10 मिनट आपको भी वेट कर लेना, और वीडियो को एंड तक देखा करो। वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर आप मेरे को कमेंट्स में बोलते हो भाई हमको तो ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। तो यार कुछ भी चीज़ सीखने के लिए यार थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 1 मिनट में कोई भी समझदार नहीं होता है, आप लोगों को भी पता है। यार थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको यार परफेक्टली आपकी हेयर स्टाइल बन पाएगी, और यार आप कुछ भी चीज़ देखोगे तो 1 मिनट में तो आपको समझ में आने से रहा, तो आपको यार थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तो अच्छे से
समझा करो, देखा करो, उसके बाद ट्राई किया करो, और उसके बाद कमेंट्स में आके बताया करो कि हाँ आपके हेयर्स खड़े हुए नहीं हुए, जो भी आपका रिजल्ट मिले वो मेरे को कमेंट्स में बताया करो। तो कई बंदे बोलते हैं कि कमेंट्स में हो गए और कई बंदे बोलते हैं नहीं हुए, तो कई बंदों के हो कैसे जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं, और कई बंदों के नहीं कैसे होते हैं क्योंकि वो समझते नहीं है, वो बस हाँ आधी वीडियो देखी और भाई ट्राई करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता आगे करना क्या है। तो यार अपने दिमाग का इस्तेमाल कम किया करो और भाई पूरी वीडियो देखा करो, समझा करो, उसके बाद ट्राई किया करो। तो अभी मेरे को 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली यार मेरे को 10 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं अपने हेयर बैंड को रिमूव करने वाला हूँ। हेयर बैंड को रिमूव करने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने हेयर बैंड को पीछे की साइड रिमूव करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो। तो अभी मेरे हेयर्स यहाँ पे होल्ड हो चुके हैं, तो अभी आपको करना क्या, आपको अपनी फिंगर के हेल्प से आपको अपने हेयर्स को सीधी डायरेक्शन में करना है जिधर की साइड आप रखते हो। तो अभी पीछे के हेयर्स को आपको सही से कर लेना है, क्योंकि पीछे के हेयर्स आपके सेट नहीं होते, पीछे के हेयर्स आपके ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हेयर्स अभी आप वॉल्यूम तो देख सकते हो, वॉल्यूम तो आपको दिख रहा होगा, बाकी भाई कॉम से आपको सेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हेयर्स अच्छे से सेट हो चुके हैं, और मेरे हेयर्स में आप वॉल्यूम देख सकते हो, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। आपको पता है मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है, मैं पहले ही बोला था स्टार्टिंग से जो भाई देखेगा ना उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस कॉम से आपको मैं सेट करके दिखाया हूँ, नॉर्मल कॉम से आपको सेट करके दिखाया हूँ। स्टार्टिंग से जो भाई वीडियो को देख रहा है उसके हेयर्स यार 100% खड़े हो जाएंगे, और जो भाई स्किप करके चले गए होंगे उसकी भाई मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो अभी आप लोग देख सकते हो लाइव आपको रिजल्ट दिखाया है, और अभी आपको यार ऐसा ही रिजल्ट आपको चाहिए, और भाई आपको ऐसे ही रिजल्ट, आपको लंबे टाइम तक अपने हेयर्स को होल्ड रखना है, तो आपको करना क्या है, कोई भी पाउडर वैक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जल्दी से एक बार कोई पाउडर वैक्स मेरा यूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट में अपना पाउडर लेता हूँ और जस्ट आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो जस्ट यहाँ पे आपको कोई भी पाउडर वैक्स यूज़ कर लेना, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। अरे यार ये भाई कौन सा उठा लिया, इससे तो मेरे हेयर्स बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, तो यार इसको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैंने कर करके इसकी मेरे हेयर्स की बैंड बजा लिया, तो इसको तो यूज़ करना ही नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे आपको दूसरी कोई भी कंपनी का यूज़ कर लेना, बट मैन अप का मत करना गलती से भी, अगर आपने कर लिया तो भाई आपकी हेयर्स की बैंड बज जाएगी। तो जल्दी से मैं दूसरी कंपनी का पाउडर वैक्स यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालोगे तो फ़ायदे में रहोगे। इस पाउडर की यार स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, ये मैनअप की तरह ख़राब नहीं है, तो यार ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो जस्ट यार ये मैन डीजर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लिया, और अभी इससे होगा क्या, मेरे हेयर्स में अच्छा लंबा होल्ड आ पाएगा, लंबे टाइम तक होल्ड रह पाएंगे, मेरे हेयर्स ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं बाहर भी जाता हूँ, बाइक वगैरह पे जाता हूँ, तो भी मेरे हेयर्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मेरे हेयर से पहली बात तो शॉर्ट्स है, ऊपर से भाई मैंने पाउडर वैक्स यूज़ कर लिया, तो भाई मेरे हेयर्स अच्छे से होल्ड रह पाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लंबे टाइम तक होल्ड चाहिए तो कोई भी पाउडर वैक्स यूज़ कर लेना, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, और भाई ले दिया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट भाई मैनअप का तो मत करना, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपके हेयर्स डैमेज हो जाएंगे, फिर आप मेरे को बोलोगे कि भाई ये क्या बता दिया, हमारे हेयर्स ख़राब हो गए। तो जस्ट अभी यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, आपको अपनी हेयर्स में अच्छा खासा वॉल्यूम मिलेगा इस ट्रिक से, और भाई आपको पता है रोलर कॉम का भी मैंने यूज़ नहीं किया है, तो भाई इससे आपको हेयर खड़े करके दिखाऊं कैसी लगी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको फेस से या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको मेरे को फॉलो कर लेना है, तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्मार्ट बॉय हैक के नाम से अपना इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आप मेरे से बातें कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लेट्स गो गाइस।